हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार अजक माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है। मैं पहले हिंदी में क से ज्ञा तक, अ से आ तक, आकार से विसर्ग तक जो भी अक्षर मात्राएं होते हैं उन सभी को मिलाकर बने शब्दों वाक्यों को देखते हुए चुलबुली कहानी के माध्यम से ताकतवर कौम की कहानी हम आप सबको सामने लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब पढ़ते हैं चुलबुली कहानी। पाठ्य पुस्तक का नाम है चुलबुली कहानी, उसी के अंदर कहानी है ताकतवर कौन। कौन? ताकतवर कौन कहानी का नाम है। चलिए कहानी शुरू हो गया है। शेर ने खरगोश से पूछा, क्या जी क्या पूछा है? देखिए, दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर कौन है? देख लिए ना कैसे बोल रहे हैं। खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, कौन? खरगोश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज आप। कौन बोल रहा है? खरगोश बोल रहा है, महाराज आप। शेर भेड़िए के पास गया, किसके पास? शेर भेड़िए के पास गया। उसने भेड़िए से पूछा, कौन? शेर ने पूछा। आगे देखिए, दुनिया में सबसे अधिक ताकतवर कौन है? कौन? शेर ने पूछ रहा है। भेड़िया ने सादर के साथ कहा, कौन कहा? भेड़िया ने कहा, महाराज आप। कौन बोल रहा है? भेड़िया बोल रहा है, महाराज आप। शेर गर्व से छाती फुलाकर हाथी के पास गया। अब देखिए मजा क्या होता है। उसने गरज कर हाथी से पूछा, कौन? शेर ने पूछ रहा है, सबसे अधिक तेज और ताकतवर जानवर कौन है? देखिए कैसा घमंडी बात है। हाथी ने शेर को अपनी सूंड में लपेट कर पटक दिया। क्या किया जी? पटक दिया। शेर को बहुत चोट लगी, वह बेहोश हो गया है। क्या हो गया है? बेहोश हो गया है। होश आने पर शेर ने इधर उधर देखा, कौन? शेर ने देखा। उसने शरीर से धूल झाड़ी और भाग निकला। देख लिए ना ताकतवर का। तब मेरे दोस्त, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि, है ना, आप समझ गए होंगे, अपने आप को कभी भी अहंकार या घमंडी नहीं होना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए, ताकि हम सही रहें। वीडियो को लाइक कर दें दोस्त, सब्सक्राइब कर दें, बेल का घंटा बजा दें, शेयर कर दें, है ना। वीडियो देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। थैंक यू। बाय बाय।